रवि मधु कुकिंग में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य सबको घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करना है। आज हम बना रहे हैं ओट्स की स्वादिष्ट और पौष्टिक स्मूदी। आप इसे ओट्स की सुनहरी स्मूदी या ओट्स और आम की स्मूदी भी कह सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस से जनित व्याधियों से बचाती है। हमें अपने शरीर की इस प्रतिरोधक क्षमता को निरंतर बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता रहती है। विशेषकर आज के इस महामारी के समय में इसकी महती आवश्यकता है। प्रकृति द्वारा हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ढेर सारे भोजन और भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अवयव यानी इंग्रेडिएंट्स प्रदान किए गए हैं। इन अवयवों में से कुछ मुख्य पदार्थ हल्दी, अदरक, विभिन्न प्रकार की सब्जियां व फल तथा मेवे सम्मिलित हैं। हमें केवल इन स्वास्थ्यवर्धक अवयवों को अपने नित्य प्रति के भोजन में सम्मिलित करके विभिन्न व्याधियों से अपने को बचाते हुए शरीर को सुदृढ़ बनाना है। ओट स्मूदी अपने आप में एक पौष्टिक पेय अथवा नाश्ता है। हम इसमें कच्ची हल्दी, आम और बादाम का समावेश करके इसे और अधिक पौष्टिक रूप प्रदान कर रहे हैं। आप भी इसे बनाएं और अपने परिजनों को सुबह नाश्ते में परोसकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। निश्चित ही यह हर किसी को पसंद आएगी। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच ओट्स एक कढ़ाई या पैन में मध्यम आंच पर सूखे भून लें। हम ओट्स का दलिया प्रयोग कर रहे हैं, किंतु आप अपनी सुविधा अनुसार रोल्ड ओट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में अधिक मात्रा में ओट्स को भूनकर ठंडा कर लें, फिर हवा बंद जार या शीशी में भरकर स्टोर कर लें तथा आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करते रहें। इससे हर बार ओट्स स्मूदी बनाने समय आपका समय बचेगा। बीच बीच में जल्दी जल्दी चलाते हुए ओट्स को 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर सूखा भून लें यानी ड्राई रोस्ट कर लें। सूखे भुने ओट्स को एक बड़ी प्लेट पर फैलाकर कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। ओट्स के अतिरिक्त इस पौष्टिक ब्रेकफास्ट स्मूदी को बनाने के लिए कुछ और सामग्री की आवश्यकता होगी। 8 से 10 बादाम, लगभग 1/2 इंच जितना बड़े ताजी कच्ची हल्दी के टुकड़े को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। यदि आपके पास कच्ची हल्दी उपलब्ध ना हो तो आप आम प्रयोग में लाए जाने वाले सूखे पिसे हल्दी पाउडर का प्रयोग कर लें। इसका केवल 1/4 या 1/2 छोटा चम्मच ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ पके हुए एक मध्यम आकार के आम की एक फांक और 1 बड़ी चम्मच भरकर या स्वादानुसार शहद भी ले लें। आप चाहें तो शहद के स्थान पर मेपल सिरप या बीज निकले हुए खजूर का प्रयोग भी स्मूदी को मीठा करने के लिए कर सकते हैं, या यदि आप वीगन डाइट प्लान का अनुपालन कर रहे हो तो। ओट्स के ठंडा होने के बाद अपनी मिक्सी के ब्लेंडर जार में डाल दें। आप इसमें एक एक करके छीलकर काटी हुई ताजी कच्ची हल्दी या 1/4 से 1/2 छोटी चम्मच सूखा हल्दी पाउडर, बादाम, आम की फांक का गूदा और 1 बड़ा चम्मच भरकर या स्वादानुसार शहद या अपनी इच्छा और सुविधानुसार कोई भी अन्य स्वीटनर डाल दें। अंत में 1 गिलास दूध भी जार में डाल दें। आप अपने इच्छानुसार फुल क्रीम या टोन, डेरी मिल्क अथवा सोयाबीन या नारियल का दूध प्रयोग कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार फ्रिज का ठंडा या कमरे के तापमान पर दूध का प्रयोग करें। जार का ढक्कन लगा दें और सब कुछ एक साथ यानी स्मूथ होने तक ब्लेंड करें। सर्विंग ग्लास में उड़ेल दें, चाहें तो ऊपर छिले और कटे हुए बादाम से सजाएं। स्वादिष्ट, पौष्टिक और प्रतिरोध क्षमता वर्धक ओट्स की सुनहरी स्मूदी परोसें और आनंद लें। हमें आशा है यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कृपया नीचे दिख रहे लाइक के बटन पर क्लिक करें और इस पर अपने विचार कमेंट्स कॉलम में अवश्य लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी फोटो पर या नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इसके साथ में दिख रहे घंटी के बटन पर भी क्लिक करें। इससे आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना अपने आप मिलती रहेगी। सुरक्षित व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।